माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम डेरिवेशन देखने वाले हैं इन चार फॉर्मूले का, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो बेहद आसान है और आप मेरे साथ बने रहें। ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, मान लीजिए कि ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। आपको डे वन जो इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। ये देखिए, ये यूनिट रेडियस का सर्कल है और इस पर कोई भी पॉइंट ले लें, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पर पी वन एक पॉइंट ले लिया जो कि इससे एंगल बी बनाता हो। तो एंगल बी बनाता हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंगल बी बनाता है, इसका रेडियस वन है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको डिस्कस पहले इस टाइप का किया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई, तो ये एक्स कॉमा वाई होता है, तो ये एक्स कॉमा वाई होगा। तो आप इस ट्राइंगल में कॉस बी अगर देखेंगे तो कॉस बी का वैल्यू होगा, कॉस बी होगा बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, तो ये वाई अपॉन वन, तो कॉस बी की वैल्यू है वाई अपॉन वन, यानी वाई इक्वल टू कॉस बी है। और साइन बी कितना है? साइन बी अगर आप देखेंगे तो साइन बी, सॉरी, कॉस बी होगा बेस अपॉन, तो एक्स अपॉन वन, और साइन बी होगा वाई अपॉन वन। तो एक्स कौन है? कॉस बी, और वाई है साइन बी। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका कॉस बी कॉमा साइन बी। क्लियर है मेरी ख्याल से आपको मेरी बात? आप ध्यान से देखिए, अगर आपका ये वाला एंगल ए होगा, मान लीजिए कि ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट उस बेसिस पे क्या होंगे जिस बेसिस पे इसके लिखे हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस ए कॉमा साइन ए, कॉस ए कॉमा साइन ए किसके होंगे? फिर से देख लीजिए आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नेचुरली ये वाली जो बीच की बात है ये क्या हो गई? ये हो गई दोस्तों ए माइनस बी, ये बीच में ये वाला पोर्शन, जो बीच का पोर्शन है, बीच का, ये डार्क कर दिया आपको समझने के लिए कि ये ए माइनस बी है। अब हम क्या करें कि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये कोऑर्डिनेट नेचुरली आप समझ सकते हो 1,0 होगा, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, तो यूनिट रेडियस का हमने सर्कल लिया है तो ये -1,0 है। अब अगर मैं इस मेजरमेंट का, ये ए माइनस बी मेजरमेंट, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, या ये 10 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, या ये 5 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, तो ये डिफरेंस जो होगा 55 डिग्री होगा। उतने वैल्यू का, मान लीजिए कि ये 5 डिग्री है और ये पूरा है 55, ये अभी तो वैसे ऑप्टिव्स है तो ऑप्टिव्स में थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए ये 15 डिग्री हो गया और ये ऑप्टिव्स होने के कारण 120 हो गया, तो 120 में से 15 माइनस कर दिया अपन ने, तो 105 डिग्री, तो 105 डिग्री मेजरमेंट का एक एंगल हम सेल्फ डिज़ाइन कर लेते, तो सेल्फ डिज़ाइन करते पर उसकी डायरेक्शन रिवर्स इस साइड में रखेंगे। तो इस साइड में अगर मैं ए माइनस बी का कोई एक आपको डिज़ाइन कर दूं, ये इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, मान लीजिए कि वो इधर ही है, ये इधर आ गया ए माइनस बी आपका, मान लीजिए कि ए माइनस बी इधर हो गया, तो ये रेडियस है, ये रेडियस वन है, ये भी रेडियस है वन, और ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, और ये कितना एंगल है? ये एंगल हमने सेल्फ डिज़ाइन किया, ये एक्स वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है? ये डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कॉमा वाई माना, तो ये एक्स है, ये जो डार्क किया है ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये जो एंगल हम ले रहे हैं, ये एंगल हम ले रहे हैं ए माइनस बी मेजरमेंट का ही ले रहे हैं। हो सकता है फिगर में डिफरेंस हो, इन दोनों फिगर में एक जैसे सिमिलैरिटी नहीं हो, क्योंकि कोई मेजरमेंट तो है नहीं हाथ से, कि हाथ से मेजरमेंट कर दिया और हमने बना दिया हो, पर आप देखो इसको पी वन नाम दिया, इसको पी टू नाम दिया है, इसको एक नाम दे देते हैं हम पी थ्री नाम दे देते हैं इसको, और पी इसको नाम दे देते हैं पी फोर, इसको पी थ्री और इसको पी फोर। तो आप वो देखें,
कि जो एंगल एंगल पी टू ओ कौन ओरिजिन, एंगल पी टू ओ पी वन इज सेम एज एंगल पी फोर ओ पी थ्री। ये डिजाइन किया है हमने, इट इज डिजाइंड। इनफैक्ट एवरीथिंग इज डिजाइंड, एवरीथिंग इज अवर अजम्पशन। ये बी है, ये ए माइ ए है, ये ए माइनस बी होगा, इतना ही हम इधर बना लो। तो आप ये वाला देखोगे कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, पी वन ओ पी टू, या उल्टा बोल दो जैसा आपको बोलना हो वैसा बोल दो, क्योंकि ये रेडियस कितना है इसका, रेडियस वन है, ये वन है, ये एंगल सेम है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलारिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलारिटी जो है उससे ये पता चला कि जो ट्राइंगल पी वन ओ पी टू इज कॉन्ग्रुएंट टू किसको, ट्राइंगल पी थ्री ओ पी थ्री को कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, इसलिए ये जो लेंथ है पी वन से लेके पी टू तक, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ इस फिगर पे माइंड मत करिए, फिगर में चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने हाथ से ऐसे फ्रीली बना दिए हैं, ना मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक मेजरमेंट दिमाग में रखा है। लेकिन अगर आप मेजर करके बनाएंगे तो नेचुरली आप भी समझते हैं ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पी वन पी टू की वैल्यू पी थ्री पी फोर के बराबर होगी, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों तो वन वन हो गए, ये भी वन है, रेडियस वन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वन है, ये वन है, तो बची कौन सी साइड, ये वाली इसके बराबर होगी। और पी वन पी टू कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या डिस्टेंस फार्मूला है आपका, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख दूँ क्या मैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स वन कॉमा वाई वन, ए की जगह कुछ और भी ले सकते हैं आप, कुछ ले लें एम ले लें एन ले लें, और एक्स टू कॉमा वाई टू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का आपको फार्मूला आता है। क्या फार्मूला है, एम एन की डिस्टेंस का रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर, या एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर, जो लिखो आप, वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो आपको फार्मूला लास्ट ईयर था कोऑर्डिनेट में, वही है, एम और एन के बीच की डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, ये फार्मूला, तो यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। तो पी वन और पी टू ये हो गया आपका, पी वन को क्या बोलोगे, एक्स वन वाई वन, तो ये बन जाएगा आपका एक्स टू वाई टू, अगर आप इसको एक्स वन वाई वन बोलते हैं तो बस निकाल लें एक्स टू माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी। आप कॉस बी माइनस कॉस ए लिखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो कोई फर्क की बात नहीं है, प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली डिस्टेंस है, अब हमारे पास तो ये पी फोर, ओ माई गॉड, पी फोर के हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, तो पी फोर के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, पी फोर के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी। क्यों होंगे, सिंपल लॉजिक, ये एंगल बी था तो कॉस बी साइन बी हो गए, ये एंगल ए है तो कॉस ए साइन ए ओरिजिन से, ये एंगल कितना है तो कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर। क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ये एक्स टू वाई टू बोल दो और इसको क्या बोल दो एक्स वन वाई वन, तो ये लग गया। अब बस सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, लेकिन बस इसको ओपन करना है, और एज सून एज वी ओपन दिस और डेरिवेशन गेट्स ओवर, और डेरिवेशन हो जाता है और हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। अब जगह की आपको मालूम है शॉर्टेज है तो ये मिटाना पड़ रहा है, अब आप इसको ओपन करने में मेरी मदद कर दें, तो पहले दोनों साइड क्या कर दें, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट का झगड़ा आपका खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और समय कीमती है, आप होशियार हो
इसलिए आपको मेरी सलाह है, क्या सलाह है कि इसको ओपन भी कर लो, स्क्वायर तो करो करो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा, हट जाएगा, पर ओपन भी कर लो। कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, और हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें, सारी कठिनाइयाँ पार कर देंगे आप, कोई ऐसी खास बात है नहीं। प्लस अब इसका भी स्क्वायर कर दें ओपन, तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो साइन स्क्वायर, अच्छा इसमें ए भी आगे पीछे लिखे थे तो माइंड तो नहीं करेंगे आप, आगे पीछे कोई फर्क नहीं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस टू साइन ए साइन बी, ये तो लेफ्ट साइड हो गई, टू साइन ए साइन बी। कहीं कोई चीज़ लिखने में मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करिएगा, आप होशियार हो, सब समझते हो। इज इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर रूट तो हटाई दिया आपने, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर वन है, लिख दे, लिख दिया, माइनस टू कॉस ए माइनस बी इंटू वन, प्लस कौन, प्लस एक टर्म ये वाली, और ये माइनस जीरो है तो ये केवल यही दे जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, अब आप समझ गए हो, क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हो, क्या 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 होने वाला है आपको मालूम है। कॉस स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, वन। कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, वो इसको फार्मूला लगा देता हूँ आपका मनपसंद, और मनपसंद फार्मूला लगते से रिजल्ट आपके हाथ में, क्योंकि जब काम मनपसंद हो तभी रिजल्ट सही होता है। डेरिवेशन एक नंबर है, आप समझ गए, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी को वन लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को वन लिख दिया, वन प्लस वन कितना हो गया मालूम हो गया आपको, है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है, कॉस ए कॉस बी, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, स्टाइल से साइन ए साइन बी। क्लियर है क्या, बिल्कुल देखो, और राइट साइड में अब क्या बचा है, तो राइट साइड इधर साथ लिखेंगे, जमेगा नहीं, नीचे लिख देते हैं इसकी राइट साइड को, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी कितना हो गया दोस्तों, वन, प्लस वन स्क्वायर इज वन माइनस टू कॉस ए माइनस बी, ये हो गया आपका। अब वन प्लस वन कितना हो गया, टू, कैंसिल करना है, कैंसिल करने का मन और एक्साइटमेंट अपनी जगह, कैंसिल किया, फिर आपका मन हो रहा है कि अब अगली स्टेप में माइनस टू भी सर कैंसिल कर दो, हमारा समय बचाओ, तो मैं बिल्कुल आपका समय बचाने के फेवर में हूँ बच्चों मेरे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस टू भी कैंसिल कर दिया आपके सोचने से, आपके कहने से, ये आ गया आपके पास कॉस ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी विच वी हैव बीन डिराइव्ड वेरी इजीली नाइसली हैप्पीली। अब मेरे दोस्तों, अगर हमको कॉस ए प्लस बी का चाहिए हो तो बी की जगह पाए, वो सॉरी, बी की जगह माइनस बी रख दें तो फिर क्या हो जाएगा, कर सकते क्या ऐसा, कैन दिस बी डन, यस इट कैन बी, कॉस ए कॉस ए कॉस माइनस बी, साइन ए साइन माइनस बी। दुनिया ने नॉलेज को सलाम किया, नॉलेज जिसके पास है, जो लर्नेड है, जिसको चीज़ें आती है, उसकी वैल्यू होती, और इधर क्या हो जाएगा, तो आप पूरा नॉलेज लीजिए, दोस्तों को बताइए, खुद भी समझिए, औरों को समझाइए। अब ध्यान से सुनिए, आपको एक रिजल्ट याद होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बिल्कुल सही, एकदम सही पकड़े, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ ए तो वैसे ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस बी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी, पर साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा फिसल के यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए, क्योंकि इंटू में है ना दोस्तों, ये हो गया, और राइट साइड में क्या बन गया मेरे बच्चों, राइट साइड अब आपकी हो गई है
कॉस ए प्लस बी, तो क्या ये सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं है, यही है? तो हाँ, ये डिराइव हो गया, अब इसमें कोई खास बात रही नहीं, अब ये तो डिराइव हो गया है। क्लियर है क्या मेरे दोस्त? ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब अगर मैं बी की जगह, किसकी जगह, बी की जगह मैं, ध्यान से सुनिएगा, पाई बाय टू प्लस बी लिख दूं, क्या लिख दूं, पाई बाय टू प्लस बी, तो देखना क्या होने वाला है। ये हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाय, सॉरी कॉस ए विल रिमेन कॉस ए, और कॉस पाई बाय टू प्लस बी माइनस साइन ए, और साइन पाई बाय टू प्लस बी, ऐसा कि ऐसा राइट साइड में भी रखना पड़ेगा, तो रखो, ये रख दिया। अब क्या करें हम? अब थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा ना भाई, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा? तो चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। कॉस ए विल रिमेन कॉस ए, क्या करना, कुछ करना ही नहीं। कॉस पाई बाय टू प्लस बी, तो कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन भी हो जाएगा। समय बचाना है तो माइनस यहाँ लिखो भाई, माइनस ऑलरेडी है बचपन से, साइन है, साइन पाई बाय टू प्लस बी, कॉस बी क्या, हाँ ठीक कॉस बी, और इधर, अच्छा इधर सजा के नहीं लिखा, बोलो सजा के लिख देते, कॉस पाई बाय टू प्लस ए प्लस बी, तो कॉस पाई बाय टू प्लस ए प्लस बी क्या होगा, माइनस साइन, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी। अब एक स्टेप के लिए फिर से लिखना पड़ेगा, तो फिर टाइम बचाते हैं भाई, टाइम बचाने का समय है ना, माइनस कॉमन ले लो, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, माइनस से ये माइनस कैंसिल, साइन ए प्लस बी लिख दें वहां से लेफ्ट साइड से, राइट साइड में सुंदरता देखें कि पहले फॉर्मूले में क्या आता है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी इधर लिख दें, जो बचा है उसको उधर लिख दें, बीच में प्लस है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो दोस्तों ये सेकेंड फॉर्मूले के बाद थर्ड फॉर्मूला डिराइव हुआ, अब कौन सा है, अब बचा साइन ए माइनस बी, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ट्रिक पता लग गई कि क्या करना पड़ेगा, सर क्या ऐसा जादू करेंगे, सर क्या ऐसा तरीका निकालेंगे कि आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो अभी प्रूव कर दिया उसमें बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, आपने सही सोचा, माइनस बी, तो ये साइन ए ये आ गया, साइन ए कॉस माइनस बी, कॉस ए साइन माइनस बी। अब माइनस दोस्तों बाहर आ नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और साइन का माइनस बाहर आएगा और फिसलता हुआ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, ये आपका रिजल्ट फोर्थ वाला था विच वी हैव प्रूव्ड। अब आपकी कोई शिकायत नहीं रहे, इसलिए प्रूव कर दिया। तो ये था चारों का प्रूफ, जो वन बाय वन सिलसिलेवार हमने किया, आपने समझा, क्योंकि आप होशियार हो, आप बुद्धिमान बच्चे हो, आपने समय लगा के देखा, आप साथ बने रहे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऑब्जेक्शन हो, तो ये नंबर है 9685698056, इस पर व्हाट्सअप कर दें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो देखते रहें और ज्ञानी बन जाएं, और ज्ञानी बन के परम ज्ञानी बने। गुड लक।